नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कौशाम्बी, जनपद कौशाम्बी से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिला पंचायत सदस्य पूनम मौर्य वार्ड नंबर 6 के प्रतिनिधि राजीव मौर्य की गाड़ी कोखराज थाना के प्रयाग होटल पर लावारिश मिलने से हड़कंप मच गया। राजीव मौर्य का फोन रात से बंद आ रहा है। राजीव मौर्य के गायब होने से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। राजीव मौर्य सैनी कोतवाली क्षेत्र के गुलामीपुर के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी पूनम मौर्य वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत सदस्य है। राजीव मौर्य डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बहुत करीबी है। राजीव मौर्य के गायब होने की सूचना पर सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। सैनी कोतवाली में पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। कौशाम्बी से विकास कुमार गौतम की रिपोर्ट। थाना कोकरा क्षेत्र में एक वाहन मिला है जो लावारिश हालत में है। बताया जा रहा है कि वो जिला पंचायत सदस्य पति राजीव मौर्य का वाहन है, जो कल रात से गायब है। उसके लिए टीमें अलर्ट कर दी गई हैं, जो टीमें गठित की हैं, उनमें कार्रवाई हो रही है। अब तक की जांच से बात प्रकाश में आ रही है कि वो अपनी मर्जी से गाड़ी खड़ी करके बस से कानपुर की तरफ गए हैं। फिर बारामदगी का प्रयास किया जा रहा है। भैया, आज आप प्रयागराज रेस्टोरेंट कोखराज के पास खड़े हैं, कैसी क्या मामला है, जानकारी दें। मामला ये है कि एक राजीव कुमार मौर्य जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 6 से हैं। वो मेरे बुआ के बेटे हैं और वो कल 9 बजे रात से लापता हैं। मैं उनके लापता के आवेदन पत्र थाना सैनी में गया, वहाँ आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद मैंने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से बात की, उन्होंने एसपी से बात किया और एसपी साहब पूरे टीम को लगा करके यहाँ जांच की जा रही है और आगे जैसे जांच में आएगा वैसे पता चलेगा, तब फिर आगे बात बताया जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आ पाए? कुछ ये पता चला कि उनकी फोर व्हीलर प्रयागराज होटल पे खड़ी है, तो हम लोग वहाँ से पता करते हुए यहाँ आए तो उनकी फोर व्हीलर प्रयागराज होटल पे खड़ी दिखी और उसमें ये देखा गया उनके क्या कहते हैं सीसी कैमरा पे, और एक बस डिपो आई है वहाँ से, कानपुर डिपो है, जिसका नंबर यूपी 78 है। और मैं उसका नंबर आपको भी बता दे रहा हूँ, यूपी 78 ईटी नंबर है, जिसमें 52 58 उसका नंबर विकास नगर डिपो से आई है और उसी में वो रुकी है। और उस जैसे स्कॉर्पियो रुकती है उसमें से ड्राइवर उतरता है, दिखता है इसमें, और वो उतरते हुए उस बस बैठ करके चला जाता है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हेमंत कुशवाहा केसरिया, वरिष्ठ भाजपा नेता। ये बताइए सर, आज आप कोखराज प्रयागराज रेस्टोरेंट के पास अपने दल बल के साथ खड़े हैं, कैसे क्या पूरा मामला है, कुछ जानकारी दें। देखिए, दल बल के साथ खड़े होने वाला कोई मामला नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के थे और वो रात के 9 बजे घर से कह के निकले कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ। बराबर पत्नी के संपर्क में थे 1 बजे तक, लेकिन 1 बजे के बाद उनकी कोई लोकेशन नहीं मिली और बाद में आज सुबह पता चलता है कि ये प्रयाग रेस्टोरेंट के सामने उनकी लावारिस हालत में स्कॉर्पियो मिली है। पुलिस की सूचना दी गई है, पुलिस आई है, छानबीन कर रही है। हमारे कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसको लेकर के पूरे क्षेत्र का कार्यकर्ता है इकट्ठा हुआ है कि जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, पुलिस उनको एकदम सुरक्षित ला करके उनके परिवार वालों को दे। इसके लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं और पुलिस अपना उनको तहरीर भी दे दी गई है और पुलिस उसके साथ साथ एसओजी की टीम भी अपना काम कर रही है। मैं समझता हूँ जल्द से जल्द उनको बरामद कर लिया जाए कहीं भी। आपका नाम सर? मेरा नाम शीतला प्रसाद पटेल, सिराथू विधायक।